ये खबर जूनागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर विधायक संजय कोरडिया अचानक ही सरकारी अस्पताल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस अचानक विजिट के दौरान अस्पताल की कई लापरवाहियां विधायक संजय कोरडिया के सामने आई। दरअसल जब विधायक संजय कोरडिया अस्पताल पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स अपने फर्ज पर मौजूद नहीं थे। जूनियर स्टाफ के अलावा कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर की वहां पर मौजूदगी नहीं थी। अस्पताल के डीन के साथ भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विधायक का फ़ोन नहीं उठाया। वैसे विधायक के इस विजिट के दौरान अस्पताल में गंदगी कितनी ज़्यादा है, ये भी उन्हें देखने मिला। इसके अलावा भी अन्य कई बातें विधायक के सामने आई। ऐसे में इस मामले में विधायक संजय कोरडिया ने आवाज़ उठाई है और पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इस बारे में ज्यादा जानकारियां मुहैया करवाई है। कोनी कंप्लेन आवी के हॉस्पिटल नी अंदर बपोर पछी ना समय नी अंदर ओपीडी बंद होई छे अने लोको हैरान थाय छे। तो ओचिंती आजे 4:30 वागे हॉस्पिटल नी मुलाकात लेता मोटा भागनी ओपीडी माथी बे ओपीडी चालू होती ने बे ओपीडी नी अंदर डॉक्टर हता, बाकी एक पण ओपीडी नी अंदर डॉक्टर हाजर नता। जूनियर अने सीनियर स्टाफ ऊपर चलावता था। अभी घणी कम्प्लेनो आवी छे, आमनी पहला पण रजूआत करी छे। अधिकारीओ मुख्यत्वे डॉक्टर डीन मेहता अने डॉक्टर नैना मकवाणा नकुम નૈનાબેન નકુમ આ બેની આ લોકો સાથે મિલી ભગત અને બે લોકોને હોસ્પિટલમાં કામ ન કરવું, લોકો હેરાન થાય એ પદ્ધતિથી હોસ્પિટલ ચલાવી રહ્યા છે। લોકો હેરાન થાય તો વાંધો નહીં, પણ પૈસા ડોક્ટરોને ઘરે મળી જાય, એમાંથી એમને કમિશન મળે, આ પદ્ધતિથી આ બંને અધિકારીઓ હોસ્પિટલ અને મેડિકલ કોલેજ ચલાવી રહ્યા છે। जो हवे सुधारो करवामां नहीं आवे तो सोमवारे आरोग्य मंत्री श्रीने फरीथी अनेक वखत रजूआत करी छे, छतां आ लोकोमां कोई सुधारो थतो नथी। लोको हैरान थई गया छे। लोक प्रतिनिधि तरीके लोकोनुं सुखा कार्य ने लोकोना हित माटे धारासभ्य तरीके मारे जे करवुं पड़े ए आगळना दिवसोनी अंदर करवामां आवशे।